वोट हासिल करने के लिए नताशा दौलताना का अवामी अंदाज सामने आया। इन्हें 163 पीपल्स पार्टी की नताशा दौलताना वोट मांगने के लिए खेतों में पहुंच गई। वोट मांगने के लिए तमाम उम्मीदवारों के मुख्तलिफ अंदाज सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में इन्हें 163 पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार नताशा दौलताना वोट मांगने के लिए खेतों में पहुंच गई। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज साले। जी हाफिज साले, आगाह कीजिएगा कि नताशा दौलताना ने क्या अंदाज अपनाया है वोट हासिल करने के लिए। में वोट लेने का अनोखा अंदाज जो है वो सामने आया है। हल्का एमए 163 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार है नताशा दौलताना, वो आज सुबह कंपेन पे निकली है क्योंकि आज आखिरी दिन है कंपेन का। इस सिलसिले में वोट मांगने के लिए वो खेतों में जा पहुंची, जहां पे मजदूर खवातीन जो है वो पहले से काम कर रही थी। तो वोट मांगने से पहले नताशा दौलताना ने इनके साथ खेतों में काम भी किया, जो कि पहले कभी नहीं उन्होंने किया था, क्योंकि ये लैंड लॉर्ड है मोहतरमा तमीना दौलताना, जो कि सबका MLA भी रह चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उनकी भतीजी है, और इसके बड़े भाई अजीम खान दौलताना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार भी थे, MLA भी थे, उनकी जगह पर ये कैंपेन कर रही है अपनी हल्का 163 से। तो आज उन्होंने अपनी कैंपेन का अनोखा अंदाज अपनाया, खवातीन के साथ खेतों में काम भी किया और उनसे वोट भी मांगा, जिस पर खवातीन ने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि हम अपना वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे। नताशा दौलताना जो है वो उन्होंने ये कहा कि हम जीतने के बाद यहाँ अपने इलाके के तरक्याती काम जो है वो करवाएंगे, खासतौर पर किसानों के लिए जो उनकी जरूरियात की।